सुबह के बज गए 5 और हम दोनों निकले। पूरा जयपुर का व्यू आपको यहाँ से। आजादी से पहले की दुकान है। ब्रेकफास्ट विद अ व्यू। कंस्ट्रक्शन के बाद इन्होंने ऐसे कलरफुल विंडोज लगा दी। जयपुर में जितने भी राजा सभी राजाओं के कपड़े रखे हैं। महाराजा जय सिंह जी। काफी ज्यादा गर्मी है यहाँ पे। अभी हम आ गए हैं जयपुर के वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस में से एक। सुबह के बज गए 5 और हम दोनों निकल गए अभी नाहरगढ़ फोर्ट के लिए और हमें आकाश ज्वाइन कर रहा है रास्ते में। तो मिलते हैं रास्ते में। सो गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन। आकाश भी मिल गया है। चलते हैं नाहरगढ़। 17 किलोमीटर यहाँ से नाहरगढ़ है। चढ़ाई पर उतर देखी की है तू मार के आने का। ओ जी रख रास्ता भूल गए जी। स्पेयर पार्ट इधर ही ना रहे। इनका कोई दूसरा रास्ता भी है। हाँ वो जल महल है। हाँ तो उतो चल लाएंगे जाते वक्त। हम पहुंच गए हैं नाहरगढ़ में। हाँ जी हाँ जी। मामला फ्लैट यहाँ से व्यू आपको दिखाते हैं। पूरा जयपुर का व्यू आपको यहाँ से दिखेगा। ये देखो गाइस रास्ता देखिए यहाँ से कैसे बना हुआ है। वो वहाँ से आए थे हम, फिर ये पूरा घूम घाम के ये पूरा यहाँ तक है। सो गाइस हम आए थे यहाँ सनराइज़ देखने के लिए, पर नाहरगढ़ जो फोर्ट है वो 10 बजे कह रहे हैं ओपन होगी, तो इसलिए हम वापस जा रहे हैं नीचे जयपुर सिटी में। तो वहाँ घूमते हैं फिर आएंगे थोड़ी देर बाद जब ये ओपन हो जाएगा, तब तक आपको सिटी में दिखाते हैं चल के। क्यों जी? हाँ समोसा भी। हम आ गए हैं अभी नाहरगढ़ किले से नीचे क्योंकि वो 10 बजे ओपन होना था और हम मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं अच्छी सी चाय से। और जयपुर की एक फेमस शॉप पर हम आ गए हैं गुलाब की चाय। मैं आपको यहाँ पहले भीड़ दिखाता हूँ, इसी से आप समझ जाएंगे। तो ये इनकी एक छोटी सी स्टोर है। आजादी से पहले की दुकान है। अरे बहुत बढ़िया। ये आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी फेमस जयपुर की ये स्टोर है। फिर भाई साहब ने अल्लाह बोल दिया है। सुबह सुबह चाय बनमस्का पे कार्तिक तैयारी है। भाई साहब फूल पेलने की चाय और बनमस्का। हाँ जी अब भीड़ देखो और आइडिया लगाओ कि कितनी फेमस स्टोर होगी ये। वर्थ है जितनी भी। बिल्कुल भाई बहुत अच्छी लगी। अगर आए तो
पर ही चाय गुलाब जी की जो भाई। अभी हम आ गए हैं विंड व्यू कैफे में। कैसे हो भाई? तो ये बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट है हवा महल के, तो यहाँ से व्यू बहुत ही प्यारा है, देख सकते हैं। ये सामने पूरा हवा महल है, वो सामने पूरे पहाड़। आकाश व्यू कैसा है भाई? भाई व्यू एक नंबर। अभी कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, उसके बाद आपको बताते हैं खाना कैसा है। गाइज हमने ऑर्डर किया था गार्लिक ब्रेड, कॉफ़ी एंड पास्ता भी आ रहा है। ब्रेकफास्ट विद अ व्यू ऑफ हवा महल। भाई ये आ गया पास्ता भी। हमने आते खाना चालू कर दिया था क्योंकि स्वाद इतना था और भूख भी लग रही थी कि आधा खाने के बाद याद आया कि वीडियो भी बनानी है। इसको अच्छा नहीं लगा, ठीक नहीं लगा तेरा पास्ता? आकाश बढ़िया भाई, मेरे को तो बढ़िया लगा, मेरे को तो अच्छा लगा, मतलब टेस्ट ही इतना था कि भी आपको बताने में लेट हो गए। हाँ सो गाइस अभी हम चलते हैं हवा महल के अंदर और आकाश कर रहा है हमारा स्वागत। आकाश क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो हाँ जी 50 रुपये दे देंगे। हाँ एक मिनट, कितने की टिकट है भैया? 50 की ईच। 50 सो गाइस हवा महल में जाने के लिए 50 रुपये पर पर्सन की टिकट है। सो गाइस हवा महल में ऐसे गुटके लाना अलाउड नहीं है, जो भी हो बाहर छोड़ के आए हैं, हमने घर पे होटल में छोड़ के आए। गाइज अभी हम आ गए हैं हवा महल के अंदर, तो अभी आपको ऊपर भी जाके दिखाएंगे। सो ये हम आ गए हैं अभी हवा महल के फर्स्ट फ्लोर पर। सो गाइज हवा महल का निर्माण 1799 में हुआ था बाय महाराजा सुवाई प्रताप सिंह के द्वारा, जो कि ग्रैंडसन थे महाराजा सुवाई जय सिंह के। और इसमें 1953 छोटी छोटी विंडोज़ हैं, जैसे कि ये जिन्हें झरोका कहा जाता है। यहाँ से इनका व्यू ऐसा दिखता है। कंस्ट्रक्शन के बाद इन्होंने ऐसे कलरफुल विंडोज़ लगा दी हैं जिसकी लाइटिंग बहुत प्यारी आ रही है। अब चलते हैं इसके ऊपर फ्लोर पर और आपको ऊपर से दिखाते हैं इसका व्यू। अभी हमें हवा महल के टॉप पर और यहाँ से आप व्यू चेक कर सकते हैं। वो अगर आपको सामने दिख रहा है तो वो आमेर फोर्ट है और वो उधर सामने जो है वो नाहरगढ़ फोर्ट, जहाँ सुबह सनराइज आपने देखी थी, वहाँ पे एक बार फिर जाएंगे, आपको दिखाएंगे अंदर से।
कल जंतर मंतर जाना है, सीधे आते जाना अंदर। अच्छा सो गाइस अभी हम जा रहे हैं जंतर मंतर, जिसकी टिकट 50 रुपीज़ है पर पर्सन। तो चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं जंतर मंतर। सो गाइस ये है दक्षी नौतारा। सो गाइस अभी हम आ गए हैं जंतर मंतर के अंदर, और इसके बारे में हमें बताएगा आकाश, क्योंकि आकाश काफ़ी जानता है इसके बारे में। हाँ मैं तो 50 बार यहाँ चुका हूँ। जंतर मंतर वही सवाई मानसिंह राजा जी ने स्थापित किया हुआ है, और यहाँ पर राजा महाराजाओं के टाइम के वो इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे पहले कोई समय का पता लगाया जाता था, स्टार्स का, प्लैनेट्स का। तो इसको 7 वंडर्स में भी लाने की बात चल रही है, शायद ये 7 वंडर्स में भी आएगा। और मतलब पहले सब कुछ ये सब आसमान की ऊंचाई कितनी है और ये सब मतलब बातें ही नहीं इंस्ट्रूमेंट से पता करवाई जाती थी राजा महाराजाओं के टाइम में। अब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गया है, ज़माना एडवांस हो गया है। जिसको ऐसी प्लेसेस पसंद है मस्ट विजिट, अच्छा है, ग्रीनरी भी है, थोड़ा सा टहलने के लिए काफ़ी अच्छा बना हुआ है। एक आपको जानने का मौका मिलेगा कि पुराने ज़माने में कैसे लोग इन चीज़ों का यूज़ करके ऐसी चीज़ों का पता करते थे। तो आप आ सकते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है नॉलेज के लिए। अभी हम आ गए हैं सिटी पैलेस, जहाँ की एंट्री टिकट है 300 रुपये पर पर्सन। तो चलते हैं सिटी पैलेस के अंदर। सो गाइस ये है मुबारक महल, जिसे टेक्सटाइल गैलरी भी कहा जाता है। कौन से राजा महाराजा के कपड़े? ये सभी राजाओं का, जयपुर में जितने भी राजा हैं सभी राजाओं के कपड़े रखे हैं। किनके तो 11 राजाओं के, जैसे जयपुर बसाया था जय सिंह जी, उनके बेटे ईश्वरी सिंह, भाई प्रताप सिंह, जगत सिंह, ईश्वरी सिंह, राम सिंह, मान सिंह, तो उन सबके कपड़े अंदर हैं। ठीक है, सही सर हमें मिले हैं यहाँ पे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है अभिजीत चक्रवर्ती, आई एम नॉट कॉन्टेबल और हिंदी लैंग्वेज। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लव वोहरा है। कहाँ से आता? मैं बॉम्बे से। कैसा लगा घूम के आपको? हाँ सब घूम कर राजस्थान जाएगा। हम ये आए थे 1984 में, अभी विकलांग हो गया मेरा, जो भालो लागी, भालो खूब भालो, भीषण भालो, भीषण भालो, खूब भालो। चलिए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं आर्म्स एंड वेपन सेक्शन में, पर वहाँ फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है। तो मैं एक बार अंदर से देखाऊँ, फिर आपको बाहर आके बताता हूँ कि अंदर क्या क्या है। ये देखिए आप, चक्री वक्री को पेंटिंग के थ्रू बताया गया, कंप्लीट नहीं है पेंटिंग। जैसे यहाँ देखेंगे तो फेस वगैरह हम लोग यहाँ पे नहीं देखे, आर्टिस्ट का बीच में डेथ हो गया पेंटिंग को बनाते। ये मिनिचर पेंटिंग है, दूर से देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, पास से देखोगे तो वॉल का बताया गया। आप जितना पास से देखोगे एक शैली का चेहरा नजर आएगा, छोटा सा छोटा काम भी आप देख सकते हो। वन ब्रश का जो वन हेयर होता है एक बार, उसे एक बार से बना हुआ पेंटिंग है, मिनिचर पेंटिंग। सो गाइस हम बाहर आ गए हैं आर्म्स एंड वेपन वाले सेक्शन से, और काफ़ी अच्छे हथियार थे वहाँ पर अलाउड नहीं था वहाँ कैप्चर करना, तो इसलिए हम अलाउड कैप्चर कर नहीं पाए। तो चलते हैं अब अगली जगह। Thank you.
गाइस ये है दीवाने आम जिसमें राजा महाराजा सभा करा करते थे। बहुत ही प्यारा बना हुआ है, ये इसकी कलाकारी देखिए, बहुत ही सुंदर कलाकारी कर रखी है इसमें। बहुत ही सुंदर है ये। तो गाइस ये लार्जेस्ट वेसल था जिसमें गंगा जल रखा गया था, स्पेशली गंगा से मंगा के। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा यहाँ ये दिखाता हूँ, आप पढ़ सकते हैं। सो इसमें गंगा जल रखा गया था जो कि होली वाटर गंगा से मंगवा के, तो महाराजा स्वयं माधव सिंह जी ने मंगवाया था वहाँ से इन 1902 में जब वो इंग्लैंड का ट्रिप कर रहे थे। तो ये है महाराजा जय सिंह जी, ये महाराजा सवाई इसरी सिंह जी, ये है सभा निवास, बाहर से आप देख सकते हो। यहाँ पे राजा वगैरह की मीटिंग हुआ करती थी, अपनी सभा को संबोधित करते थे। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बुरा हाल किया हुआ है। आज क्या कहने चाहोगे भाई गर्मी के बारे में? बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, ठंडे पानी में बैठ जाओ, ठंडे पानी का स्विमिंग पूल हो और जाके घूम जाओ, इतनी गर्मी हो रही है। सो गाइस अभी हम आ गए हैं जयपुर के वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस में से एक। सो इस जगह का नाम है बार प्लाडियो। सो अगर आप इन्जॉय करना चाहते हैं इवनिंग या नाइट पार्टी या कुछ चिल सीन करना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। इसका नाम है बार प्लाडियो। होप करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।